नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ते जा रही है और कोरोना के जो हालात हैं दिन पर दिन या यूं कहें कि हर घंटे और भयावह होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के तमाम सरकारी और निजी अस्पताल लगभग फुल हो चुके हैं और ऐसे में कोरोना पेशेंट्स को इलाज के लिए काफी परेशान होना पड़ रहा है। इन्हीं तमाम हालातों के बीच में सीएम शिवराज सिंह चौहान इसीलिए 24 घंटे के स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे हैं कि लोग जागरूक हों। एक साल बाद भी लोगों को समझाना पड़ रहा है कि वो मास्क लगाएं, वैक्सीन से न डरें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अब हालात ये हैं कि सीएम शिवराज ने साफ संकेत दे दिए हैं कि जल्द और सख्त फैसले लिए जा सकते हैं, जिनमें हो सकता है कि 2 दिन का टोटल लॉकडाउन मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगाया जाए। भोपाल और इंदौर में एक बड़ा वर्ग इसकी मांग भी कर रहा है, लेकिन सीएम शिवराज लगातार कह रहे हैं कि लॉकडाउन भी समस्या का समाधान नहीं है, दवाइयां या इलाज भी कोरोना का समाधान नहीं है, केवल कोरोना से बचाव ही इसका समाधान है, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन बनी है लेकिन दवाइयां नहीं हैं और वैक्सीन लगने तक दवाइयों पर भी जिंदा रखना लोगों को बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सीएम की कोशिश यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए और बताया जाए कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना खत्म हुआ नहीं है, कोरोना की कोई दवाई नहीं बनी है। जो इंजेक्शन या जो बाकी ट्रीटमेंट की बात हो रही है, जिसकी मांग हो रही है, वो केवल व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए है, ना कि कोरोना के इलाज के लिए। और वैक्सीन भी आपको तब सुरक्षित रख पाएगी जब आप उसके दोनों डोज लगवा लेंगे। ऐसे में दिन भर कैसा रहा सीएम का स्वास्थ्य आग्रह, कांग्रेस की क्या भूमिका है इस पूरे मामले को लेकर, इसी पर हम चर्चा शुरू करेंगे। लेकिन उसके पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना से बिगड़ते हालातों के बीच सीएम शिवराज ने पार्टी के स्थापना दिवस पर 24 घंटे के स्वास्थ्य आग्रह की शुरुआत की। मिंटो हॉल में शुरू हुए इस स्वास्थ्य आग्रह के आगाज पर सीएम ने मास्क नहीं तो बात नहीं का नारा दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक और सचेत करने के लिए मेरा ये प्रयास है। सीएम ने कहा कि मास्क का फुल फॉर्म मेरा आपका सुरक्षा कवच है, इसीलिए लोग मास्क लगाएं और वैक्सीन लगवाएं। इसके अलावा सीएम ने कैबिनेट की वर्चुअल बैठक भी सिर्फ कोरोना के मुद्दे पर ली। इसके अलावा सीएम ने संकेत दिए कि बुधवार को स्वास्थ्य आग्रह की समाप्ति पर कुछ और बड़े फैसले लिए जाएंगे। इस दौरान सीएम शिवराज के पास कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक लक्ष्मण सिंह अपने क्षेत्र की पेयजल समस्या को लेकर ज्ञापन देने भी पहुंचे, तो सियासी गलियारों में इसको लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सीएम शिवराज को 7 सुझाव भेजे। अपने पत्र में कमलनाथ ने लिखा कि हर व्यक्ति को वैक्सीन निशुल्क लगवाई जाए, ज्यादा से ज्यादा संक्रमित क्षेत्रों में प्राथमिकता से वैक्सीनेशन हो, वैक्सीन की अग्रिम उपलब्धता के साथ उसे सुरक्षित रखने के इंतजाम किए जाएं, हर सेंटर पर वैक्सीन उपलब्ध रहे ताकि लोगों को
दूसरा डोज लगवाने में परेशानी न हो। वैक्सीनेशन सेंटर तक लाने के लिए घर घर जाकर लोगों को प्रेरित किया जाए। इसके अलावा घर घर जाकर सैंपल लिए जाएं ताकि ज्यादा लोगों की जांच हो सके। वहीं निजी अस्पतालों में न्यूनतम दर पर जांच की मांग भी कमलनाथ ने की। इसके अलावा आईसीयू वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने की मांग भी कमलनाथ ने अपने पत्र में की। हालांकि इसके पहले कमलनाथ ने सीएम के स्वास्थ्य आग्रह पर निशाना साधते हुए कटाक्ष भरे ट्वीट भी किए थे। कुल मिलाकर सरकार साफ कह रही है कि महामारी को रोकने में महाभागीदारी की जरूरत है। कोरोना का इलाज बहुत महंगा है और इसीलिए कोरोना से बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। अब देखना है कि कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार और कौन से नए बड़े कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीएनएन न्यूज। तो चलिए इसी मुद्दे पर बिना देर किए चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, परिचय का करवाते हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख हमारे साथ में बीजेपी की ओर से प्रवक्ता। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे साथ। डॉक्टर संदीप सब लोग हैं कांग्रेस प्रवक्ता। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। और हमारे साथ देवदत्त दुबे जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत करते हुए। एक कमेंट सबसे पहले गुलरेज जी आपसे। स्वास्थ्य आग्रह कर रहे हैं सीएम शिवराज, कल रोड शो किया भोपाल में और अब स्वास्थ्य आग्रह। हम ये नहीं पूछेंगे इसके मायने, क्योंकि सीएम शिवराज ने खुद कहा कि वो लोगों को जागरूक करें, उनसे आग्रह करें कि स्वास्थ्य के प्रति। लेकिन इस स्वास्थ्य आग्रह से आप क्या उम्मीदें देख रहे हैं? एक साल बाद भी अगर लोगों को समझाना पड़ रहा है कि वो मास्क लगाएं या सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो आपको लगता है कि इस स्वास्थ्य आग्रह का कुछ असर होगा? देखिए, एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट के रूप में, एक डॉक्टर हूं मैं, तो साइकोलॉजी का स्टूडेंट भी हूं स्वाभाविक रूप से। एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट के रूप में यदि बात करूं तो एक मानव प्रवृत्ति होती है कि उसको फैटिक हो जाती है। और चूंकि संदीप सब लोग थी, मुझे उम्मीद है कि कोरोना जैसे मसले पर तो ये भी दलादली से ऊपर के स्वास्थ्य के लिए बात करेंगे, मानवता के लिए बात करेंगे। और ये प्रोफेसर हैं तो ये भी जानते होंगे कि जो मानव चरित्र में होता है फैटिक होना। तो एक साल से ज्यादा हो गया कोरोना के भुगते भुगते दुनिया भर में कोरोना फैटिक या कोविड फैटिक नाम की जो टर्म है, यह साइंटिस्ट ने और साइकेट्रिस्ट ने कॉइन की है। तो कोरोना फैटिक से भारत भी कोई अछूत नहीं रहा है। तो लोगों में कोरोना फैटिक हो रही है और जब कोरोना फैटिक हुई है तो वापस से लोगों को सही धरने पर लाना कि हमको मास्क को पहनना है, हमको जो सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग है वो बनाए रखना है, जब आवश्यक नहीं हो तो घर के बाहर नहीं निकलना है, इसके लिए आग्रह किया जा रहा है। वो भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसने आग्रह सत्याग्रह कर करके, तो हमने आजादी, गांधी जी ने हमको दिलवा दी, मोदी जी ने स्वच्छाग्रह करके देश को क्लीन कर दिया। तो आग्रह से तो बहुत कुछ होता है, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अब जहां तक इलाज की बात है, देखिए बड़ी, मैं एक डॉक्टर हूं और डॉक्टर होने के नाते बोल रहा हूं कि अभी तक भी कोविड का जो वैक्सीनेशन है वो एक प्रिवेंटिव मेजर है कि आपके अंदर एंटीबॉडीज बच जाए और आप रोग से रोगी नहीं हो, लेकिन इसका इलाज नहीं है। इलाज तो अभी भी वही है, मास्क लगाना, सामाजिक दूरी रखना और घर से कम निकलना, हाथ में सफाई रखना, हाथ को सैनिटाइज रखना, इस यही इलाज है। अभी तक कोई दवाई के रूप में कोई इलाज नहीं है। वैक्सीनेशन प्रिवेंटिव मेजर जरूर है, इसीलिए वैक्सीन के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन का उपयोग करें। कई जगह ये भी देखा जाता है कि वैक्सीन लगने के उपरांत भी व्यक्ति को कोविड हो गया, तो उसमें भी एक बात आप नोट कीजिए, इस प्रकार के लोग जिनको वैक्सीनेशन के बाद कोविड हुआ है, अधिकांश को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, उनको बहुत कम सिम्टम्स होते हैं। तो इसलिए वैक्सीनेशन के लिए प्रमोट करना, लोगों को सामाजिक दूरी, फिजिकल दूरी बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना, मास्क का उपयोग करना, घर से कम निकलना, इसके लिए ही माननीय शिवराज जी जो है वो आग्रह कर रहे हैं जनता से। देखिए, शासन के लिए बड़ा आसान काम होता है कि आज लॉकडाउन करें, पुलिस को बाहर बिठा देंगे, लॉकडाउन हो जाएगा, लेकिन सामान्य जन की आजीविका में फर्क पड़ता है। इसलिए हमको जिंदगी को भी देखना है और हमको अर्थव्यवस्था को भी देखना है। जहां तक अस्पतालों की बात है, कोई कुछ कहे, उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा दर्शकों को कि सरकार, मुझे लगता है आज या कल उसके नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, सरकार ने इस चीज का भी निर्णय कर लिया है कि अस्पतालों में प्रतिदिन के हिसाब से बेड का शुल्क जो प्राइवेट है उसमें कितना होना है, जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है उसका रेट 300 से ज्यादा नहीं होना, इन सब के लिए भी एक कैपिंग करने का निर्णय ले लिया है आजकल में, वो भी आपको दिख जाएगा। जी चलिए, तो जो शिकायतें थीं संदीप जी कांग्रेस की कि भाई शिवराज जी बाकी मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या कोरोना के मुद्दे से ध्यान भटका रही सरकार,
गुलरेज जी ने कहा कि बहुत जल्द जो दो तीन मुद्दे थे कमलनाथ जी ने जो लिखा, हालांकि जांच के रेट उन्होंने कम करने की बात कही थी, वो पहले ही हो गया था वो काम, लेकिन उसके अलावा संदीप जी और क्या आप इसमें जोड़ना चाहेंगे या क्या बुराई दिख रही है आपको स्वास्थ्य आग्रह में? जी, संदीप जी आपको आवाज आ रही है? चलिए लगता है संदीप जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम दोबारा जाएंगे उनके पास, लेकिन देवदत्त दुबे जी हमारे साथ में हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं आप स्वास्थ्य आग्रह को? एक तरह से जब एक साल हो गया इस महामारी को, तब तो हर व्यक्ति को मास्क लगाए ही घूमना मिलना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकांश लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। तब एक मुहिम एक बार फिर छोड़ी कि भैया ध्यान आकृष्ट करो कि अभी ना कोई दवाई है तो ये ढिलाई भी नहीं होनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। या आप देखिए कि जैसे इतने सारे खतरों, स्पीड के बारे में कहा जाता है कि भाई 100 से कम रखो स्पीड, दुर्घटना हो सकती है, और लोग 130 40 50 चलाते एक्सीडेंट होते हैं। सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जी इससे कैंसर हो सकता है, फिर पीते हैं लोग। तो एक जो स्वभाव बन गया है मानवीय स्वभाव, कि जब तक सीधी कोई आगे गोली ना मारने लगे तब तक हटते नहीं, ये जो ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारे अभियान चलाना पड़ते हैं। और जब प्रदेश का मुखिया कोई अभियान चलाता है, थोड़ा आप देखें कल और आज में थोड़ा बहुत ध्यान तो आकृष्ट हुई हुआ लोगों का, कल उन्होंने रोड शो किया, आज आग्रह किया, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है मैं फिर कहूंगा कि अस्पतालों में जो लूटमारी मची है, जो हलाकान है पेशेंट, उनकी सख्ती से उनकी व्यवस्थाएं की जाए, और एक ये अंतर बहुत दिखाया जाए कि भैया ये वायरल फीवर और कोरोना का अंतर क्या है। अन्यथा लोग अस्पतालों में जा रहे हैं और कुछ दवाइयां तो ऐसी हैं कोरोना की जिनके साइड इफेक्ट बाद में आएंगे, तो जो जो होम क्वारंटाइन होके और जो वायरल के कारण ठीक हो सकते हैं, ये बहुत व्यापक स्तर पर अभियान चलाना चाहिए। तो भय का जिस तरीके वातावरण बना है, तो भय दोहन का कार्यक्रम चल रहा है इस समय। तो मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह जागरूकता तो लाभी है, अब उनको इस पे ठोस अभियान करना चाहिए, एक एक अस्पताल की जानकारी लेके ये किस जी तरह से यहाँ इलाज हो रहा है, अस्पताल के दौरे करना चाहिए और अस्पताल में मरीजों से बात करनी चाहिए, उनके अटेंडरों से, परिजनों से बात करना चाहिए कि क्या दिक्कत हुई आपको। कई जगह आडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं कि 12 लाख जमा किए, मकान बेच दिया, फिर भी पति खत्म हो गया, ऐसे बहुत जगह से खबरें आ रही हैं। तो ये सब और क्षमता से ज्यादा मरीज रखे जा रहे हैं। अब बहुत सारी सरकारी बिल्डिंग खाली है, जहाँ पलंग की ही तो व्यवस्था करना है और थोड़ी भी व्यवस्था है, तो एक व्यापक अभियान इस पर होना चाहिए कि लोग निश्चिंत रहें कि आपको कोई भी दिक्कत हो कॉल सेंटर फोन करें, आपकी व्यवस्थाएं होगी, जैसा आपका स्वास्थ्य होगा वैसा इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। जी संदीप, सब लोग जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संदीप जी, बहुत सारी शिकायतें थी और उनको दूर करने की कवायद शुरू हो गई है और बहुत सारे ऐलान हमें लगता है कि कल तक हो जाएंगे, जैसे कि संकेत मिल रहे हैं, लेकिन इसमें क्या जोड़ना है? कांग्रेस जो इसे नौटंकी बता रही है या सवाल उठा रही है, क्यों? देखिए, अगर वो मंत्रालय की 5वीं बिल्डिंग पर बैठ करके और फैसले लेते रहते तो आप कहते देखिए साहब, वो तो मंत्रालय में बैठे हैं, इसी कमरे में बैठे हैं, उनको तो सड़क पर आना चाहिए। अब जब सड़क पर हैं, लोगों के बीच में हैं, तो भी कांग्रेस को दिक्कत है। क्या कहना चाहेंगे स्वास्थ्य आग्रह पर? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, अभी मैं देवदत्त दुबे जी जो हमारे प्रदेश के बहुत जाने माने स्तंभकार और बड़े पत्रकार है, उनकी बात मैं सुन रहा था। जिस तरह से उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि आज हमारे मध्य प्रदेश को जिन बातों की जरूरत है उनकी तरफ प्राथमिकता से ध्यान दिया जाना चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी महात्मा गांधी के सामने बैठकर स्वास्थ्य आग्रह कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस तरह से ये एक राजधर्म के पालन करने की बात जहां तक मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए, वहीं वे जिम्मेदारियों से पलायन करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेके हो हल्ला मचाया गया, लेकिन धरातल स्तर पर हम जाकर देखते हैं तो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है। कल परसों की हम अगर आपसे बात करें तो मध्य प्रदेश के संभागीय मुख्यालय सागर में
जहाँ बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज भी स्थापित है और बड़ा जिला चिकित्सालय भी है, तमाम केंद्रों पर कहीं भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी और लोग यहाँ से वहां भटक रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोरोना संक्रमण को लेकर जिस तरह के बड़े बड़े सब्जबाग दिखाए जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं कि पर्याप्त संख्या में हमने बेड की व्यवस्था कर दी, पर्याप्त संख्या में हमने अस्पतालों की व्यवस्था कर दी, लेकिन भोपाल का ही मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, जहां चिरायु अस्पताल का एक आईडियो वायरल हुआ था और उसमें इस बात को प्रमाणित किया गया था कि लगातार लोग वहां पर आकर भर्ती हो रहे हैं और मर रहे हैं और लगातार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, अपना घर तक बेच रहे हैं। तो ये इतनी दयनीय स्थितियां जो मध्य प्रदेश की बनी है, इसमें कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि इसमें सरकार की बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि जब ये दौर शुरू होने वाला था, मैं आपको एक साल पहले ले चलना चाहता हूं, जब ये दौर शुरू होने वाला था और मध्य प्रदेश की सरकार ने इस मामले में, कमलनाथ जी की सरकार ने पर्याप्त तैयारियां शुरू की थी, तभी इनको सत्ता का मोह समझ में आया, सत्ता की लूट खसोट समझ में आई और उन्होंने कोरोना के संकट की परवाह किए बिना सत्ता को गिराने का, सत्ता को पलटने का, सत्ता को बनाने का काम किया। यही बात पूरी हो जाने दीजिए, केवल आज अगर हम बात करें कि केवल कोरोना संक्रमण से ही लोग परेशान हैं तो ऐसा नहीं है। आज पूरे मध्य प्रदेश में केवल कोरोना संक्रमण नहीं, अन्य कई तरह की बीमारियां, अभी देवदत्त जी बोल रहे थे कि वायरल फीवर तेजी से बढ़ रहा है, लोग भयभीत हैं, वो ये मान के चल रहे हैं कि उन्हें कोरोना हो रहा है, लेकिन उनकी सही जांच नहीं हो पा रही, उनको सही दवाइयां नहीं मिल पा रही। इसके अलावा मध्य प्रदेश में देखिए, महिलाओं के ऊपर अत्याचार और उत्पीड़न का दौर लगातार जारी है। मैं आपको जबलपुर के सिहोरा का उदाहरण देना चाहूंगा, रागनी शुक्ला नाम की बहन जिसने मुख्यमंत्री के खुद के ट्विटर पर ट्वीट करके अपनी जान की गुहार लगाई है जान बचाने की, उनके ससुराल के लोग उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके साथ पिटाई कर रहे हैं, उनको मारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जबलपुर जिले के टीआई से लेकर एसपी तक कहीं भी उनको मदद नहीं मिल रही है और वो अपने मामा से इस बात की गुहार लगा रही है कि इस भांजी को बचा लीजिए। प्रदेश में और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, जबलपुर जबलपुर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऐसे मामलों पर भी संज्ञान होना चाहिए। केवल फांसी लगाना पड़ी उसको ससुराल की प्रताड़ना के कारण, आयशा और रशिका की भी मैं बात करूंगा, ऐसे तमाम मामले हैं। केवल हम इस समस्या पे ना आए, मुख्यमंत्री जी आप महात्मा गांधी जी के सामने बैठिए, आप गोद से मुर्दाबाद और महात्मा गांधी अमर रहे का नारा लगाकर जब आप बैठेंगे तब हमें पता लगेगा कि वास्तव में आप गांधी की विचारधारा को, अहिंसा को, गांधी की सेवा को, गांधी के विचारों को आगे ले जाना चाहते हैं। आप राजधर्म का पालन कीजिए, आप समस्याओं से पलायन मत कीजिए, तो आप प्रदेश की जनता की सेवा के लिए आप यहाँ बैठे हैं, उनकी सुरक्षा की बात कीजिए, उनकी सेवा की बात कीजिए, उनके लिए सुविधाएं जुटाने का काम कीजिए। देखिए, दुनिया के कई देशों में कोरोना फैला है, कई क्या पूरी दुनिया में फैला है, और उन देशों में या बाकी स्टेट्स में कोई ऐसा सत्ता नहीं बदली गई थी, ये सब नहीं हुआ था, उसके बावजूद वहां पे कोरोना फैला। खैर हम उससे आगे निकल आए, लेकिन गुलरेज जी जो कह रहे हैं कि क्या कोरोना की समस्या में अब उलझ गई है सरकार, जी गुलरेज जी उलझी नहीं है, और मैं क्यों सब उसका भी प्रमाण रखूंगा आपके सामने, क्यों नहीं उलझी है, लेकिन मुझे अपेक्षा थी कि संदीप सब लोग जी चूंकि प्रोफेसर हैं, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, शिक्षाविद भी हूँ, इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ, तो मुझे लग रहा था कि ये दला दलित से ऊपर उठ के आवाम की भलाई की बातें करेंगे कोरोना के संकट में, लेकिन इनकी सारी बातें राजनीतिक थी, लेकिन मैं थूकता हूँ ऐसी गंदी राजनीति पर जब लोगों की जानों पर आए और हम राजनीति करें। तो मैं इन विषयों पर बात नहीं करना चाहता, आज मेरा मूड भी नहीं है। देखिए, जहां तक सरकार की बात है, सरकार की स्थिति पहले से बेहतर है पिछले वर्ष से, और क्यों बेहतर है, इसका कारण यह है कि पिछले वर्ष जब कोविड का संकट आया था तब उस समय दुर्भाग्यवश, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा लेकिन मैं फैक्ट सामने रख रहा हूँ, जो उस समय पहले सरकार थी कमलनाथ जी की, उन्होंने ये सुनी आवाज और इन सब चीजों का मेंटेनेंस तक भी नहीं किया था। लेकिन उससे भी एक और चीज आगे है कि हमको इस वायरस का चरित्र नहीं पता था, हम डॉक्टरों को, मैं आता हूं संदीप जी आपके पास आता हूं, इसका चरित्र जानते हैं कि इसका इलाज किस प्रकार से, किस पद्धति से करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, लेकिन अभी क्या स्थिति है कि समाज को भी उतना ही कोऑपरेट करना होगा, क्योंकि ये जो बीमारी है एक से दूसरे को लगती है, वो आर नॉट जिसको कहते हैं, एक व्यक्ति कितनों को लगाता है, जब तक आर नॉट वन से नीचे नहीं आता तब तक तो आपको ये सब करना होगा, और अभी आर नॉट की स्थिति ज्यादा है, बढ़ती जा रही है, तो एक व्यक्ति क्रमशः कितनों को ही संक्रमित कर सकता है, आपको
थोड़ी सी सर्दी हुई है, मेरे पास दो बार मुझे खुद को वैक्सीन हो चुका है, कोई कोविड के लक्षण नहीं है, लेकिन 3 दिन से अपने कमरे से बाहर नहीं निकला हो, ये सोचते हुए कि किसी और को कुछ सर्दी का भी नहीं लगे, वरना उसको ये लगेगा कि कोविड हो गया। तो हमको बतौर सामाजिक प्राणी सब कुछ करना पड़ेगा, और मुख्यमंत्री भी यही चाहते हैं, भाजपा भी ये चाहती है, हम दलादली से ऊपर उठकर काम करना चाहते हैं जब प्रदेश और देश की जानों पर बात आती है। जी संदीप जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम जनता का लगातार कोरोना संकट के नाम पर, कोरोना से बचाव के नाम पर, कोरोना से सुरक्षा के नाम पर मानसिक शारीरिक और आर्थिक शोषण हो रहा है। गुलरेश जी मेरी बात सुन ले आप जी, जिस तरह से पूरे प्रदेश में जुर्माने के नाम पर, चालानी कार्यवाही के नाम पर छोटे छोटे लोगों को लूटने का काम आपकी मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार कर रही है लगातार। अरे आप जागरूकता बढ़ाइए, आप लोगों को सुविधा उपलब्ध कराइए, आप रोजगार दे नहीं पा रहे, जो छोटा छोटा रोजगार कर रहा है उसको चालानी कार्यवाही के नाम पे वो 100 कमाता है, 500 छीन के ले जाते हैं उनसे, छोटे छोटे मोटरसाइकिल सवार निकलते हैं। हो गए, बहुत आरोप लगा लिए। हम ये कह रहे हैं संदीप जी, अब आज सीएम ने संकेत दिए कि 2 दिन का लॉकडाउन हो सकता है, कई जिलों में ये दायरा बढ़ाया जा सकता है, क्या तैयार हैं? इस बात का कोई इलाज नहीं है, इलाज है नहीं, ये तो सीएम भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दवाई भी नहीं है और इलाज भी समस्या का समाधान है, कि जितने पेशेंट्स आते जाएंगे हम उनका इलाज करते जाएं, ये भी समाधान नहीं है। लेकिन लोगों को सरकार के ऊपर एक पद्धति भी भरोसा नहीं रहा है। लॉकडाउन के समय में कह लेने दीजिए, कोई कह लेने दीजिए, चलिए आप ही कह लो गुलरेश जी, आप ही कह लो, आपकी सरकार है, आपका चैनल है, आप ही बोल लो। नहीं नहीं, चैनल हमारा है जी। जिस तरह से पिछले लॉकडाउन के समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो केंद्र की हो चाहे मध्य प्रदेश की हो, जनता के विश्वास को तोड़ने का काम किया है, बेरोजगारों को रोजगार से वंचित किया है, लगातार उनकी सुविधाओं से उनको हाथ धोना पड़ा, उसके बाद ना तो किसी टैक्स में, चाहे वो ठीक। मैं देखिए बिल्कुल पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाना चाहूंगा कि सरकार कैसे गिरी, क्यों गिरी, उससे कोई मतलब नहीं है, बहुत पीछे की बात हो गई है, गंगा में बहुत पानी बह गया। उसके बाद देवदत्त जी के पास जाऊंगा, मैंने दोनों को रोकना, आप दोनों पॉलिटिकल बातें करने लगे। देवदत्त जी, ठीक है देवदत्त जी, सीएम ने आज संकेत दिए हैं। देखिए, जो निजी हॉस्पिटल्स का आपने मुद्दा उठाया, आज ये संकेत मिल रहे हैं कि रेट तय हो सकता है कोरोना के इलाज का, और जैसे कल जांच के रेट कम किए हैं, ऐसे एक फिक्स रेट भी किया जा सकता है निजी अस्पतालों में अगर कोई कोरोना पेशेंट जा रहा है तो, एक बात। दूसरा, उन्होंने कहा कि 2 दिन का लॉकडाउन, मतलब ये उन्होंने कहा कि भाई स्थितियां भयावह होंगी तो, और कई शहरों, बड़े शहरों में मांग उठने भी लगी, कई वर्ग मांग कर रहे हैं कि भाई कम से कम अब लॉकडाउन लगा दिया जाए, ताकि ये जो भीड़ भाड़ है, क्योंकि देखिए अगर लॉकडाउन नहीं होगा, मजबूरी होगी लोगों की रोजी रोटी के लिए निकलना, जो नौकरी पेशा उनकी मजबूरियां होंगी कि भाई हमको जाना ही पड़ेगा वरना नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, दुकानदार है वो रोज के कमाने खाने वाले, उनको जाना ही पड़ेगा, तो ऐसे में क्या 2 दिन का लॉकडाउन ठीक है फिलहाल की स्थिति में? जी देवदत्त जी, बिल्कुल जरूरी है लॉकडाउन, क्योंकि अभी सबसे प्राथमिकता जान बचाने की है, जान बचेगी तो जहान तो फिर हासिल कर लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह सितंबर से फिर फरवरी तक डाउन हुआ और लापरवाहियां जो इस बीच की गई, उसी का नतीजा है कि आज फिर से हम दुगनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं इस महामारी की तरफ। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में ये व्यवस्थाएं की जाएंगी कि निर्धारित किया जाएगा, सुन ये तो किया ही जाए, और दूसरा ये भी किया जाए कि जिनके बीमा है, कार्ड है, या जो विभिन्न बीमारियों के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से राशि दी जाती है, तो गरीब और मध्यम वर्गीय बीपीएल परिवारों को वहाँ निःशुल्क इलाज होना चाहिए, और इसके मुख्यमंत्री सहायता कोष से उसका पेमेंट होना चाहिए, क्योंकि आपदा में अवसर कई लोग देख रहे हैं, औने पौने दामों में ब्याज पे कैसे कोई अपने गहने गिरवी रख रहा है, कोई मकान बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये बहुत बड़ी मुसीबत है मानव जाति पे। इस समय राजनीतिक बातें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ विचार होना चाहिए। बिल्कुल गुलरेश जी, लास्ट कमेंट। देखिए, कुछ समस्याएं जब डीएनए ने भी उठाई,
और सीएम तक पहुंची बातें, तो ये तय हो रहा है। देखिए, हमें जो उम्मीदें हैं कि वैक्सीनेशन की जो उम्र है उसमें भी अब कोई बंधन, आज कमलनाथ जी ने भी मांग की है कि वैक्सीनेशन में उम्र का बंधन खत्म किया जाए, क्योंकि युवा पीढ़ी को भी बचाना है, एक बात। दूसरा, निजी अस्पतालों के लिए आपको नहीं लगता कि क्या रेट लिस्ट अब तय हो जानी चाहिए? और जो लूट खसोट, सबसे ज्यादा शिकायत लोगों की है कि लूट खसोट मची निजी अस्पतालों में, और उन पर कुछ एक्शन लिया जाए, क्या उम्मीद करें कि कुछ जल्द होगा? देखिए, जहां तक वैक्सीनेशन की एज की बात है, वह तो केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर से कंसल्ट करके जो भी करेगी हम उसका पालन करेंगे। जहां तक निजी अस्पतालों की और लूट खसोट की बात है, मैं बतौर मध्य प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता के नाते बिल्कुल मैं चेतावनी दे रहा हूं कि जिसने भी ऐसा किया उसका अस्पताल के जो परमिट है, जो उसके लाइसेंस है, वह रद्द कर दिए जाएंगे। बिल्कुल सावधान रहें, सीएम साहब की पैनी नजर है, कोई भी नहीं बचेगा। जिसने जनता को लूटने का काम किया उसके ऊपर शासन का डंडा चलेगा। लास्ट कमेंट संदीप जी आपसे। जमीन के नीचे गाड़ दिया, उसी तरह की बात गुलदेव जी कह रहे हैं कि अभी ज्यादा राशि वसूल की गई। भोपाल के तमाम नर्सिंग होम में देख लीजिए, जहां लोग घर बेच के आ रहे हैं, जीवर बेच के आ रहे हैं, और अपने परिजनों को खोने के बाद उनके पास पैसा नहीं बच रहा, उनकी हालत को सोचिए। बलरेज जी, आपके मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि माफिया तंत्र को जमीन के अंदर गाड़ देंगे। आज पूरे मध्य प्रदेश में माफिया तंत्र सर उठाकर लोगों की हत्याएं कर रहा है, लोगों को प्रताड़ित कर रहा है और लगातार प्रशासनिक तंत्र को परेशान करने का काम कर रहा है। आप तो राजधर्म के पालन की बात कीजिए, पलायनवादी नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ विपक्ष से कि जब प्रदेश के मुखिया आग्रह कर रहे हैं, संदीप जी, क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, कांग्रेस के नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है, या केवल चिट्ठियां लिखकर क्या आप अपना काम पूरा करेंगे, सड़क पर भी उतरेंगे कांग्रेस के नेता? दीपेश जी, चाहे कोरोना संक्रमण हो, चाहे कोई किसी भी तरह की आपदा हो, ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये मानवता का विषय है। और कांग्रेस पार्टी ऐसे ऐसे पहलुओं पर, ऐसे मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय मानवीयता की बात करना चाहती है। गुलरेज जी बोल लेने दीजिए, आपने बहुत बोल लिया, मुझे भी बोल लेने दीजिए। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल इस मामले में सकारात्मक सहयोग देने को तैयार है, लेकिन प्रदेश की सरकार को और मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि इसमें पारदर्शिता लाए, इसमें छोटे लोगों को प्रताड़ित करना बंद करें, और वैक्सीनेशन को लेकर, चाहे इलाज को लेकर, दोहरे मापदंड खत्म करके आम गरीब लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को सहज, सरल और सस्ता इलाज मिल सके, वैक्सीनेशन हमें हमें लगता है प्रयास करें। हमें लगता है कमलनाथ जी को, सारे लोग कमलनाथ जी को बजाय लेटर लिखने के, सीएम अवेलेबल है, संदीप जी सीएम अवेलेबल है, मिंटो हॉल में पता स्थाई है अगले 24 घंटे तक, ठीक है? कमलनाथ जी जाएं और बजाय लेटर लिखने के इस पर गंभीर चर्चा कर सकते हैं सीएम शिवराज से। तो ये लेटरबाजी तो एक तरफ रखिए, जनता की चिंता है तो जाइए सीएम जी के पास, सीएम शिवराज के पास। हाँ, अरे गोडसे और गांधी कहाँ से आगे कोरोना की लड़ाई में साहब? यही तो दिक्कत है संदीप जी, कांग्रेस के पास वक्त पर सही मुद्दे पर बात नहीं करती। हम तो ये कह रहे हैं, अरे जाए ना, नहीं नहीं जो ये आप लोग कहते सीएम मिलते नहीं है, मैं आपको पता दे रहा हूँ, पता कल दोपहर 12:30 बजे तक मिंटो हॉल में मिलेंगे सीएम शिवराज जी। कमलनाथ जी क्यों नहीं जाते हैं ये बातें रखने, लेटर लिखने से क्या होगा? वो कहते साहब लेटर का जवाब नहीं आता, चले जाइए मिलने। यहाँ क्या मान सम्मान है, क्या अहंकार है, क्या आड़े आता है, क्या नहीं आता ना? जनता की चिंता तो उनको जाना चाहिए। इसी बात के साथ खत्म करेंगे डिबेट को। शुक्रिया आपका गुलरेज जी, शुक्रिया संदीप जी, शुक्रिया देवदत्त जी, आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये स्थितियां, सियासत चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल ये वक्त है कोरोना से लड़ाई का, और इसीलिए सीएम समस्या का समाधान नहीं है। लाखों लोग एक साथ बीमार हो जाएंगे, आप कैसे कहां, आप खुद सोचिए सरकार की जगह रह करके कि क्या एक साथ इतने लोगों का इलाज संभव है, कैसे हो सकता है भाई? इसीलिए कोरोना से बचाव ही फिलहाल सबसे बड़ा उपाय है। इसीलिए सतर्क रहिए, सजग रहिए, अपने परिवार वालों, दोस्तों को, और वो कहिए जो कहा है सीएम ने, नारा दिया है मास्क नहीं तो बात नहीं, पहले मास्क लगवाइए फिर बात कीजिए, 2 गज की दूरी रखिए, तभी इस समस्या को फिलहाल रोका जा सकता, थामा जा सकता। कोरोना तब भी खत्म नहीं होगा जब तक वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो जाता, वैक्सीन भी लग जाए तब भी कोरोना संक्रमित आप हो सकते हैं, लेकिन उसका असर कम होगा, आपकी जान नहीं जाएगी। और इसीलिए इसी मैसेज के साथ में इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज़, नमस्कार।